अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ैनब और आज मैं बना रही हूँ पेन मिल्स मौसा बाइट्स। ये ऐसी रेसिपी है जो झटपट से रेडी हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिसके लिए हमें चाहिए, पहले हम डो तैयार करेंगे। जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। पहले हम एक बाउल में मैदा डालेंगे, नमक, जीरा, कुकिंग ऑयल। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने ये डो बहुत सख्त बनानी है, इसके लिए हमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसे इस तरह सख्त डो बनानी है हमने। इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम मैदे का पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 4 टेबलस्पून मैदा लिया। इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह का पेस्ट बना लेना है हमने। अब हम अंदर की स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 6 आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, 1 छोटे साइज का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है, हरा धनिया, 1 हरी मिर्च इसको मैंने कट कर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा। पहले हम उबले हुए आलुओं को मैश कर लेंगे। ये देखें, इसे हमने अच्छे से मैश कर लिया। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसके अंदर जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखे धनिया का पाउडर, चाट मसाला, नमक। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम मैश किए हुए आलू डालेंगे। अब इसके अंदर हम धनिया डालेंगे। और साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर अब इस डो को हम 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और 2 पेड़े बना लेंगे। अब इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे, बड़ी सारी और बारीक सी। इसकी हमने इतनी बारीक सी रोटी बनानी है। अब इसके ऊपर हम आलू वाला पेस्ट लगाएंगे और ये पेस्ट ठंडा होना चाहिए और इसे हर जगह फैला लेंगे। इसे हमने इस तरह से फैला लेना है।
अब हम बेलना लेंगे और इस पे ऑयल लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हमने हल्के हाथों फेरना है ताकि बिल्कुल इक्वल हो जाए। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इसे हमने इस तरह से आराम आराम से फोल्ड करते जाना है। अब हम यहाँ पे मैदे वाला पेस्ट लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। अब हम तेज छुरी से इसे आराम आराम से कट कर लेंगे। और इसे इस तरह से दबा लेना है हमने। इसी तरह हम दूसरे पेड़े को भी बना लेंगे। ये देखिए हमने सब बना ली है। अब हम प्लेट में रख लेंगे इसको। अब हम मैदे वाले पेस्ट में डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी ऑयल में डाल लेंगे। अब हम इन सब की साइड्स चेंज करेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी बना लेंगे। और इन्हें भी निकाल लेंगे। अब इसे हम तोड़ के दिखाएंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा।